फ्रेंड गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्ण, केम छो बधा। छह टाइमर में आप सभी का स्वागत है। पता नहीं आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही इतनी, और आज हम लोग अभी बज रहे 3 और हम लोग जा रहे हैं अमूल डेयरी देखने, तो मैं भी आपको इसकी विजिट कराती हूँ। तो चलिए अमूल डेयरी पर मिलते हैं, बाय। ये आ गई हमारी अमूल डेयरी, और हम लोगों ने यहाँ पर देखने के लिए पहले ऑनलाइन उसकी बुकिंग कराई थी। यानी आपको ये अगर डेयरी देखने जाना है तो आप पहले ऑनलाइन बुक करवा दीजिए कि आप कितने लोग जा रहे हैं, बाद में उस तरह से आपको एंट्री मिलेगी। और हाँ, यहाँ पर जो पार्किंग है वो अंदर ही है, यानी आप अंदर स्कूटर या कार कुछ भी वो लेके जा सकते हो। और अमूल डेयरी की विजिटिंग का जो टाइम है वो दोपहर का ही है, यानी 2 से 4 के बीच में ही आप जा सकते हो। 2 से 4 के बीच में आप जब भी जाना चाहते हो हम जा सकते हो। हम लोग घर से 3 बजे निकले थे। जब आप अमूल डेयरी देखने आते हो तो पार्किंग के बाद भी कुछ काफ़ी चलना होता है, और उसके बाद आपको दिखाने ले जाते हैं अंदर। जब हम डेयरी में एंटर हुए थे तो बहुत सारे मिल्क कंटेनर हमारे आगे जा रहे थे, और यहाँ भी आपको बहुत सारे कंटेनर देखने को मिल रहे हैं। यानी ये जो जगह है वहाँ से मिल्क कलेक्ट होता है, यानी आसपास के गांवों से लाखों लीटर में दूध लिया जाता है, और फिर इस जगह में आकर मिल्क कंटेनर से अलग करते हैं। यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो भी अमूल डेयरी की मुलाकात के लिए आता है उनको पहले यहाँ पर बिठाया जाता है, और यहाँ पर जो भी जो गाइड होता है वो यहाँ से आता है और फिर हमको अंदर लेके जाता है। तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, शायद कितने लोग ले जाते हैं पता नहीं, पर शायद 10 या 15 लोग एक साथ होंगे, फिर सबको ले जाएंगे अंदर। गाइड आ गए हैं और वो हमें लेके अंदर जा रहे हैं, और फिर सब कुछ दिखाएंगे अंदर, कौन कौन से प्लांट है, क्या क्या यहाँ पर बन रहा है और क्या क्या बाहर भी बन रहा है, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देंगे। ये हाईवे पे प्लांट है और ये भी दूसरे क्या हर रोज दिखाता है। ये अलग अलग प्रकार के फ्लेवर में दूध का जो कैन कोरोना के टाइम में हमने सब नया नया लॉन्च किया था, ये दूध का कैन, मिल्क पाउच, अमूल मस्ती दही, छाछ, घी, तो सामने पुराना प्लांट है कि वहाँ पे सब बनता है। ये चीज़ और पनीर जो आप खाते हो तो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर अमदाद की और खातरा चौकड़ी, तो वहाँ पे चीज पनीर का प्लांट है। तो अमूल कॉर्न आइसक्रीम सीखा ना, तो गांधीनगर मदर डेयरी और बॉम्बे विरार के अंदर बनता है। तो दूध में से इतने सारे प्रोडक्ट अमूल बनाता है। ये जो बनाने का प्लांट है ये सब अलग अलग जगह पे, आप यहाँ पे इस प्लांट में आए हो तो यहाँ अमूल बटर मक्खन बनाता है और पाउडर बनाता है, जो ही प्रोडक्ट इस प्लांट में बनता है। इस शोकेस में सब कुछ अमूल की प्रोडक्ट रखी हुई है कि अमूल कौन कौन सी प्रोडक्ट बनाता है, और यहाँ पर कौन कौन सी प्रोडक्ट बनती है, और बाहर जो है वहाँ पर कौन कौन सी प्रोडक्ट बनती है, ये सब कुछ यहाँ पर चल के दिखाते हैं और बताते भी है। ये जो मशीन का काम है, दूध नीचे से ऊपर आता है तो दूध के अंदर फैट, आप जो क्रीम बोलते हो मलाई, उसको अलग करता है, और ये क्रीम में से
अमूल मक्खन बनाता है, मक्खन को गर्म करके घी बनाता है, बटर बनाता है। तो हमारा ये जो प्लांट के अंदर खेड़ा आनंद महिसागर तीन जिलों का 1250 गांव से हर रोज का 28-30 लाख लीटर मिल्क कलेक्ट ऑलरेडी और गुजरात में अमूल के ऐसे 17 प्लांट है और इस 17 प्लांट के एक दिन में 250 लाख लीटर से भी ज़्यादा मिल्क कलेक्ट कर सकता है। अमूल की शुरुआत 200 लीटर दो गांव से हुई। जो त्रिभुवनदास पटेल जी का जो फोटो है, ये अमूल का फाउंडर था, इन्होंने जो चालू किया तो 200 लीटर था 1946, आज 250 लाख लीटर। यहाँ पर जो भी अमूल की विजिट करने आए हैं उन सब प्रेसिडेंट की यहाँ पर फ़ोटो लगाई हुई है और अंदर का माहौल भी बहुत ही अच्छा है। आप अंदर जाएंगे अमूल की विजिट में तो आपको कहीं भी कुछ भी बैड स्मेल नहीं आएगी और काफ़ी नीट एंड क्लीन है। पूरा प्लांट ऐसे का है, कहीं भी जगह पे आपको लकड़ी का यूज नहीं किया, कहीं भी जगह। नीचे दिखाने के बाद अभी हमें ऊपर ले जा रहे हैं और ऊपर भी काफ़ी देखने को है। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे पुरस्कार भी है और यहाँ पर विजिट के लिए कौन कौन आया है उन सब के फोटोग्राफ के साथ उनकी डिटेल भी यहाँ पर दी गई है, जो हमें काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलता है यहाँ से। ये लेबोरेटरी है और यहाँ पर हर प्रोडक्ट को पहले बराबर चेक किया जाता है, बाद में ही वो भेजा जाता है। यहाँ पर बटर बनता है और वो कैसे बनता है, उनकी पैकिंग कैसे होती है, कैसे सब कुछ करते हैं और यहाँ पर पूरी तरह हमें दिखाते हैं और बताते भी हैं। यहाँ पर पिक्चर के द्वारा बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अमूल प्रोडक्ट के लिए पहले किस तरह की मशीन यूज़ होती थी, बाद में किस तरह की मशीन सब लाई गई, वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दिखाया है और काफ़ी हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। पूरा सब घूमकर दिखाने के बाद अभी हम उसी जगह आ गए जहाँ से हम लोग आए थे और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस बाहर की ओर। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सब कुछ आपको दिखाते हैं, सब मशीन दिखाते हैं, पूरे डिटेलिंग के साथ आपको समझाते हैं और बस हमारा ये विजिट वाला ख़त्म अंदर का हो गया है और लोग हम लोग बाहर आ गए। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये कैंटीन है, आप कुछ खाना पीना चाहते तो यहाँ पर आप जा सकते हो। पर हम लोग घूम घूम कर थक गए हैं और काफ़ी गर्मी भी है तो हम सब ने आइसक्रीम ली है और वैसे भी यहाँ पर जब भी हम डेली घूमने आते हैं तो यहाँ पर आइसक्रीम तो खाते ही हैं। और ये देखिए यहाँ पर मोर की आवाज़ देखिए, बहुत ही सुनाई दे रही है। और ये देखिए ग्रीनरी और ये हमारे परम की 2-in-1 वाली है, यानी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और वेनिला फ्लेवर एक ही कोन में। और ये मेरी है चोको चॉप करके कुछ है, चोको कैरेमल है।
नीट एंड क्लीन एंड लश ग्रीन कैंपस है। यहाँ का बहुत ही प्यारा एटमॉस्फियर है। अगर आपको विजिट के टाइम चल चल के पैर दुखने लगे हैं तो यहाँ पर आप थोड़ी देर बैठकर रेस्ट कर सकते हो और इस माहौल का आनंद उठा सकते हो। और यहाँ पर मिल्क की कितनी सारी प्रोडक्ट बनती है फिर भी आपको कोई भी ऐसी स्मेल नहीं आएगी। बहुत ही प्यारा सा यहाँ का एटमॉस्फियर है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन सभी का बहुत धन्यवाद। प्रतीक जा रहे हैं स्कूटर में और मैं चल के जा रही हूँ क्योंकि मैं आपको अमूल फूड लैंड रेस्टोरेंट और अमूल ग्रीन मॉल है उसके पीछे का हिस्सा दिखा रही हूँ। और आपने अभी मेरे रिसेंटली जो शॉर्ट वीडियो है उसमें आपने अमूल फूड लैंड रेस्टोरेंट देखी होगी तो उसकी विंडो से पूरा ब्यूटीफुल ग्रीन एरिया देखने को मिलता है। देखिए, ये रेस्टोरेंट है और मॉल भी है। और मैं आगे से भी आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह का आगे से दिखता है। ए डेरी का मेन गेट है जो आगे से इस तरह से दिखता है और उसके पास में ही अमूल ग्रीन मॉल है, अमूल फूड लैंड है, नीचे भी रेस्टोरेंट है और बाहर भी आपको पानी पूरी, ढोकला सब कुछ खाने को मिलेगा। और इसकी जो चीज़ पानी पूरी है बहुत ही यम्मी होती है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और अमूल की जो प्रोडक्ट है यहाँ पर जो मिलती है शायद कहीं और वेराइटी आपको देखने को ना मिले। और शायद ये इंडिया का बिगेस्ट अमूल पार्लर है तो आनंद में जब भी आप आए तो अमूल डेयरी की ज़रूर मुलाकात लीजिएगा। अमूल के बारे में बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा और बच्चे साथ में हैं तो उनको वो तो बहुत ही मज़ा आएगा। अभी हम जो घर की ओर जा रहे हैं, ये जो रोड है इसे अमूल डेयरी रोड ही बोलते हैं। और हमारे जो अमूल डेयरी वाली विजिट थी वो भी यहाँ पर ख़त्म हो गई है और अभी हम वापस जा रहे हैं घर की ओर। एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, हमारा भारत का गौरव है अमूल। Okay, India.